मध्य प्रदेश में कल ये साफ हो जाएगा कि फिर कमल खिलेगा या लोग कांग्रेस के हाथ के साथ होंगे। तो वहीं मतगणना से ठीक एक दिन पहले सीएम शिवराज अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ दादा धूनी वाले मंदिर पहुंचे। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर दादा धूनी वाले मंदिर में गर्भगृह में बैठकर अपनी पार्टी की बंपर जीत के लिए यज्ञ भी किया। परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना भी बेहद जरूरी। धूनी वाले बाबा के दर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ पहुंचे हुए थे, यज्ञ भी किया है। जाहिर सी बात है, जीत की प्रार्थना की होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को कल आएंगे। चुनाव परिणाम से पहले दोनों दलों के नेता देव दर्शन करने पहुंचे हैं, टेम्पल रन नेताओं का। किसी ने खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई तो कोई महाकाल को शीश नवाने के लिए पहुंचा, कोई घर पर ही पूजा पाठ कर रहा है। बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा का परिवार हो या महेंद्र हाडिया का, घर में ही पूजा पाठ अनुष्ठान का दौर चल रहा है। हाडिया ने घर पंडित बुलाए और पंडित रोज पहुंच रहे हैं, रोज जा रहे हैं, डेली पूजा पाठ करवाते हैं वो। वहीं विजयवर्गीय मेंदुला, चार भुजानाथ, गोलू और रीना सेतिया खाटू श्याम पहुंचे। संजय शुक्ला ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर अरदास किया। जीतू पटवारी देखिए, कैलाश विजयवर्गीय सभी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं।